हर घंटे 19 लोग कार एक्सीडेंट्स के थ्रू मर जाते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है 3 अक्टूबर 2023 की। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 सेफेस्ट कार्स इन इंडिया लेकर के आ गया हूँ। लेकिन उसको जानने से पहले ये समझते हैं कि कार को कैसे सेफ माना जाता है। तो बेसिकली एक आपकी NCAP का क्रैश होता है, क्रैश टेस्ट होता है, जिसको कहते हैं न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपके दो एडल्ट को आगे बैठाया जाता है और आपके दो बच्चों को पीछे बैठाया जाता है। एक की उम्र आपकी 3 साल होती है, एक आपकी 18 महीने की होती है, और फ्रंट आपके दो एडल्ट्स होते हैं। जो आपका स्कोर है बेसिकली वो आपका 34 एडल्ट्स का स्कोर होता है मैक्सिमम, और जो आपका चाइल्ड का स्कोर है वो आपका हो जाता है 49, और उसके अकॉर्डिंग जितने भी कम से कम डैमेज जो कार लेती है उसके हिसाब से उसको स्कोर दिए जाते हैं, और उसी के हिसाब से उस कार की सेफ्टी रेटिंग को रेट करा जाता है। तो ये तो हो गया आपका NCAP। अब हम लोग आते हैं हमारे कार्स के ऊपर कि इंडिया में हमारी कौन सी टॉप 5 कार्स हो जाती है। हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से। नंबर 5 पर हमारी आ जाती है स्कोडा की कुशाक। अब आप लोगों को पता है कि स्कोडा जो है ये आपके चेक रिपब्लिक के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनके ऊपर ये कंपनी बेस्ड है, जिनका नाम है एमिल स्कोडा। अब स्कोडा बेसिकली आपकी 2021 में लॉन्च करी गई थी, और स्कोडा जो है वो आपकी इंडिया की एंट्री लेवल की क्रॉसओवर हो जाती है मॉडल, जो कि अपने परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी पर भी अच्छे से फोकस करता है। इस गाड़ी में आपको दो इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपका 1 लीटर जो कि आपके 109 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, और दूसरा आपका 1.5 लीटर TSI जो कि आपकी 148 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 385 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। उसके साथ साथ सेफ्टी फीचर्स में इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, रोल ओवर प्रोटेक्शन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और उसी के साथ ही साथ आपको ब्रेक डिस्क वाइप का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस कार का जो आपका प्राइस है वो आपका 10.9 लाख से शुरू होता है और 20 लाख रुपीज तक के जाता है। इस कार के अगर डिमेरिट के बारे में यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग बात करें तो इस गाड़ी में आपको लेस स्पेस मिलता है, और इसकी जो एवरेज है वो भी उतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द राइवल दैट इज Hyundai Creta। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर बेसिकली आपकी आ जाती है अगेन स्कोडा की ही गाड़ी, दैट इज स्कोडा स्लाविया, जो कि आपकी मोस्ट अफोर्डेबल जर्मन कार हो जाती है इन द मार्केट, दैट इज एनी डे बेटर देन होंडा सिटी इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि आप हर जगह जाकर के देख सकते हो, और मैं भी जो बातें कर रहा हूँ दैट इज वेल रिसर्च। उसके बाद इस गाड़ी में आपको बढ़िया डिजाइन मिल जाता है, इसमें आपको बढ़िया 19 से 20 किलोमीटर/लीटर का माइलेज मिलता है, कंफर्टेबल सीट मिलती है, बढ़िया 145 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसमें आपको दो इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, वन इज 999 cc, दैट इज 1000 cc बेसिकली, एंड दैट इज अनदर वन इज 1.5 liter बेसिकली 1498 cc, जो कि आपको 147 bhp एंड 255 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। 521 बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाता है, 45 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, 16 इंच के टायर मिल जाते हैं। सेफ्टी वाइज में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग मिल जाती है, ABS मिल जाता है, TPMS अगेन दैट इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है। इस व्हीकल का प्राइस आपका 10.89 लाख रुपीज से शुरू होता है और 19.12 लाख रुपीज तक के जाता है। अगर इसके डिमेरिट के बारे में बात करें तो इसके बेसिकली कोई असल डिमेरिट है नहीं, लेकिन ये हमारे थर्ड नंबर के पोजीशन की राइवल हो जाती है डायरेक्ट, और हमारे थर्ड नंबर पर आ जाती है Volkswagen की Virtus, जो कि एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया कार है। Volkswagen Virtus जो है ये आपकी 2022 में लॉन्च करी गई थी, जिसने एक प्रीमियम मिड साइज सेडान के सेगमेंट को एक लेवल दे दिया था, यानी कि एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। इसके अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, इसमें आपको ECS मिलता है, पार्किंग असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, मल्टी कोलिजन ब्रेक्स मिल जाते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड एक्सेट्रा, इसमें आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है डिजिटल। इसके एक प्रॉपर एक परफेक्ट कार हो जाती है इफ यू लुकिंग फॉर अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्लस परफॉर्मेंस। इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 148 BHP प्रोड्यूस करता है और 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये गाड़ी की टॉप स्पीड आपकी 190 मानी जाती है, लेकिन ये उससे ज्यादा भी चली जाती है। 11.29 लाख रुपीज से शुरू होती है, 19.2 लाख रुपीज तक के जाती है, 19.29 लाख रुपीज तक के जाती है। अब बेसिकली जो आपकी फोर्थ नंबर की गाड़ी थी स्कोडिया स्लाविया, वो इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाती है, लेकिन ये आपकी थर्ड नंबर पर है। लेकिन अगर आप इसका रिलायबिलिटी स्कोर चेक करें तो जो आपका स्लाविया का रिलायबिलिटी स्कोर है वो आपका 91.4% का हो जाता है, जबकि आपका Virtus का 90.2% का हो जाता है, जो कि आपकी 22nd पोजीशन लेता है। वहीं आपकी स्लाविया जो है वो आपका 16 पोजीशन लेती है। तो आप लोग बताइए कि सेफ्टी वाइज ये व्हीकल आपकी नंबर 3 पर क्यों आती है और नंबर 4 पर क्यों नहीं आती, जबकि आपकी रिलायबिलिटी स्कोर जो है वो स्लाविया का बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Virtus। अब अगर हम लोग इसके डिमेरिट के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक जो आपको रिवर्स कैमरा मिलता है उसकी क्वालिटी बेसिकली आपको अच्छी नहीं मिलती है। इसमें आपको हाई सर्विस मिल जाती है, इसमें आपको जो टॉप एंड वेरियंट्स है उसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड गेयरबॉक्स मिल जाते हैं, तो बेसिकली अगर एक बार खराब हुआ तो उसमें मोटा खर्चा आएगा बॉस। अब हम लोग चलते हैं हमारी नंबर
टू की व्हीकल पे, जो कि हमारी टाटा यानी कि हमारा इंडियन प्रोडक्ट हो जाता है। एंड द नेम ऑफ द कार इज टाटा सफारी, जो कि 2023 में लॉन्च करी गई थी। और इस व्हीकल का जो आपका स्कोर है वो आपका 33.05 हो जाता है अडल्ट्स का, और 45 हो जाता है आपका चाइल्ड ऑक्यूपेंसी का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है। और यही सेम जो आपका स्कोर है वो आपका नंबर वन का भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी गाड़ी होती है, वो हमारी इंडियन ब्रांड है कि नहीं, ये आप लोग गेस करते रहो तब तक। अब टाटा बेसिकली जो है वो आपको ऐसे व्हीकल प्रोवाइड करता है जो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करे बिना आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करे। बढ़िया कार है, काफी स्पेस है, काफी टाइम से एक अच्छी व्हीकल, अगर आप काफी टाइम से मतलब एक लेगेसी इस व्हीकल की चली आ रही है। इसका भी एक अलग अपना कल्ट है बेसिकली। इसमें आपको 6 सीटर ऑप्शन भी मिल जाता है, 64 मल्टी कलर मूड लाइट्स मिल जाती हैं, इसमें आपको एक बढ़िया न्यू एंड फ्यूचरिस्टिक फीचर्स मिल जाते हैं, 64 मल्टी कलर मूड लाइट्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, 170 BHP, 350 Nm टॉर्क। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है विद ऑटो होल्ड, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, 3-point belt मिल जाती है फॉर ऑल द पैसेंजर्स बेसिकली, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, और इसमें आपको मिल जाता है ADAS, दैट इज ADAS। अब ADAS में आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाता है, फॉरवर्ड एंड रियर कलिजन वार्निंग मिल जाती है, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन मिल जाता है, हाई बीम असिस्ट मिल जाती है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाती है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिल जाता है, लेन चेंज अलर्ट मिल जाता है, मल्टी ड्राइव मोड, पैडल शिफ्टर एक्सेट। इसके साथ ही साथ इसमें आपको एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है, 6 एयरबैग, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स, हिल होल्ड, ये सब तो आपको बेसिक मिलता ही मिलता है। इस व्हीकल के अगर आप प्राइसिंग की बात करो तो 6.19 लाख रुपीज से शुरू होती है, 25.49 लाख रुपीज तक के जाती है। तो अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई गाड़ी देख रहे हो तो टाटा की जो सफारी है ये आपकी वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स हो जाती है इन इंडिया, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इसमें क्या है बेसिकली सफारी एक अच्छा ऑप्शन, इसमें आपको 6 सीटर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अब हम लोग आते हैं नंबर वन पर, जो कि अगेन हमारा एक टाटा का प्रोडक्ट हो जाता है विद द सेम स्कोर एंड द नेम ऑफ द कार इज टाटा हैरियर। बेसिकली एक 5 सीटर का बीस्ट हो जाता है ये कार जो है, ये आपकी लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, जो कि एक लेजेंडरी कार पहले भी आती थी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अभी भी ये कार अब एक लेजेंडरी कार होने वाली है। इसमें आपको ऑल LED DRL सिस्टम मिल जाता है, लॉन्ग कनेक्टेड LED टेल लैंप मिल जाता है, 2 डुअल टोन में बेसिकली आपकी गाड़ी आती है और 2 सिंगल टोन में आती है। इसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, वॉइस असिस्ट मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, डिजिटल स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है जिसमें आपको लोगो भी बहुत बढ़िया से दिख करके आता है डिजिटली। इसके बाद में आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं, 26.3 सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 10 JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको एलेक्सा मिलता है विद कार टू होम कनेक्टिविटी, और उसके साथ साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी मिलता है, 7 एयरबैग, इमरजेंसी कॉल ऑप्शन भी मिलता है, ESP, TPMS, ADAS भी मिल जाता है। ADAS में मतलब आपको जितने भी फीचर्स मैंने आपको सफारी में बताए वो सारे फीचर्स आपको इस व्हीकल में भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको एक BS6 फेस 2 का कायरोटेक टेक्नोलॉजी का 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 170 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 6-speed gearbox इस व्हीकल में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो जाती है हमारी गाड़ी टाटा हैरियर, जो कि हमारी नंबर वन पर आ जाती है। तो ये हो गई हमारी आज की टॉप 5 सेफेस्ट कार्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। अगर आप लोग कोई भी सेफेस्ट कार देखने की, अगर आप लोग कोई भी अपने लिए एक बजट का ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हो और कोई ऐसी व्हीकल ढूंढ रहे हो जो कि आपको आपकी फैमिली को रोड पर हर जगह सेफ रखे इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल, तो ये थी हमारी टॉप 5 कार्स जिसमें हमने आप लोगों को बता दिया। आपकी दो इसमें स्कॉडा के प्रोडक्ट हो जाते हैं, एक आपकी कुशाक, एक आपकी स्लाविया जो कि आपकी जर्मन व्हीकल्स हो जाती हैं, फिर आपकी वॉचेस हो जाती है, फिर आपकी इंडियन प्रोडक्ट हो जाते हैं 2, जो कि आपकी टाटा की हैरियर और सफारी हो जाती है विद द सेम स्कोर। अब आप लोग देख लो आपको कौन सी व्हीकल चाहिए। अगर आप कोई अफोर्डेबल इकोनॉमिकल व्हीकल चाह रहे हो तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो सेफ्टी के ऊपर, लेकिन अगर आप कोई सेफ कार चाह रहे हो जो कि आपको हर जगह एक खराब सिचुएशन में भी सेफ रखे, देन दीज आर द 5 कार्स फॉर यू दैट इज अवेलेबल इन इंडियन मार्केट राइट नाउ दैट विल कीप यू सेफ इन द रोड्स एंड एनीवेयर एल्स ऑल्सो। तो अब मैं जाता हूं आप लोगों के लिए इसी तरह से बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लेकर के आता हूं। टिल देन व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज दैट यू गाइज हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय पिस्टन सलाम। Boss.